सामने वाली पहाड़ी दिख रही है उसी टाइप से इतना बढ़िया दिखेगा, शानदार। पहाड़ों पे घर बनते हैं ऐसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पहाड़ी ब्रदर्स। और आज हमारा पार्ट 2 है माय विलेज व्लॉग का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मैं अपने दादा दादी के घर जाने वाला हूँ। कल मैं गया था अपने नाना नानी के घर, आज मैं जा रहा हूँ अपने दादा दादी के घर। तो बहुत डिफरेंट प्लेस है, बहुत अमेजिंग व्यू आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ दिखेंगे। तो गाइज़ अभी हम उतर गए हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा नीचे जाना है पैदल उतर के, सीढ़ियाँ वगैरह उतर के। ये रास्ता जा रहा होगा, इस रास्ते से जाएंगे। और यहाँ पे गाड़ी हमने पार्क करी है। और पीछे का मैं दिखाऊँ तो बहुत ही अमेजिंग सा व्यू आएगा। देखो वो दिख रही है नीचे खड्ड, अगर इसको हम बोलें तो ये छोटे छोटी खड्ड बन के जो नदी सी बनती है ना, इन्हीं की बनती है। यहाँ पे अभी पानी नहीं है, बहुत हल्का सा पानी है बीच बीच में, अगर आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर घर है नीचे, ये सीढ़ियाँ जा रही है, यहाँ से नीचे जाएंगे। और यहाँ का ये व्यू है, एक रास्ता ऊपर भी जाता है, ये गुफा से दिख रही होगी, चला यहाँ से भी है। बस एक नीचे का व्यू भी देख लेना, कितना बढ़िया दिखेगा, शानदार। सामने देखो घर भी बने हैं, कितने प्यारे प्यारे घर हैं। पहाड़ों पे घर बनते हैं ऐसे। चलो नीचे चलते हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के मैं पूरा दिखाऊंगा आपको कि मतलब कैसे है। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी, यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से नीचे जाएंगे। कुछ इस तरह से दिखेगा, ये रहा रास्ता। चलो चलो फटाफट चलो सारे। तो जो पहाड़ी लोग हैं वो तो समझ सकते हैं कि कैसे कैसे रास्ते होते हैं। बाकी जो अपने दिल्ली और प्लेन इलाके से हैं, मुंबई अपना मतलब नॉन पहाड़ी लोग, उनको तो देखने में अच्छा ही लग रहा होगा। और जैसे हम अभी सामने वाली पहाड़ी दिख रही है उसी टाइप से अगर वहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो हम भी उसी टाइप में पहाड़ी में खड़े हैं जैसे सामने है, क्योंकि यहाँ पर रास्ता बना हुआ है तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये सही है, बट नहीं। जैसे सामने पहाड़ी है वैसे ही हमारी दूसरी तरफ की पहाड़ी है। वो देखो वो रोड भी निकाली है, वो अभी नई नई रोड निकाली है, बहुत कच्ची रोड है। जहाँ से हम आए हैं वो भी बहुत कच्ची रोड थी। और ये रहा वो अपना घर। ये अभी मेरी ताई जी ने, जिनको मासी जी भी लगती हैं, ताई जी कह लो, उन्होंने अभी घर थोड़ा सा रेनोवेट किया है तो ये थोड़ा सा पक्का बन रहा है। और कच्चा देखेंगे तो ये छोटा सा कच्चा टूटा फूटा सा दिख रहा है। और ये बढ़िया सा शानदार घर पका हुआ, ये अपना पका हुआ नहीं, पक्का घर ये अपना है। और इस गांव का नाम है भलेटवा। ये बहुत छोटा सा गांव है, मंडी का एक छोटा सा गांव। और यहाँ से व्यू इस टाइप का है, हवा चली हुई है बहुत अच्छी। तो गाइस देखो नीचे ये गाय और अपना बैल पाले हुए लोगों ने। वैसे ये रहा, मैं अपना दिखाता हूँ अपना दादा दादी का होम टूर। मेरे दादा दादी तो है नहीं, काफ़ी टाइम पहले ही एक्सपायर हो गए थे। और ये रहा, देख लो, फील आ रही होगी ना देख के कि हाँ बढ़िया देसी गांव का घर। ये देखो ये रहे ताया जी। ये मंदिर बनाया है, ये पीछे का व्यू, ये नेहा सुजल और ये पापा। और ये पीछे का व्यू सामने देखो। और ये पहाड़ी है, ये जियो का टावर लगा हुआ है। तो अब चलते हैं ऊपर, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, ऊपर का दिखाता हूँ। ये सीढ़ियाँ, ये रहा, ये लैट्रिन, ये कमरा, ये दूसरा कमरा, ये रसोई कमरा। और ये ताया जी, ये नेहा, ये सब बैठे हैं। और यहाँ पे पार्टी नहीं हो रही है। और ये व्यू है, छत के व्यू दिखाते हैं सबसे पहले आपको। अगर सबसे ऊपर आ जाएंगे तो किस टाइप का दिखता है। ये रही कुंडी। और ये देखो हम सबसे ऊपर आ गए छत पे। देखो भाई कितना बढ़िया फील आ रहा है ना, मतलब चारों तरफ पहाड़ी है, चारों तरफ, और सबसे नीचे आप बैठे हो। इस लाइफस्टाइल में भी मज़ा है, मतलब ज़्यादा अगर आप रहोगे। ये रहा पीछे का गांव। मतलब अगर आप महीना साल भर रहना हो, ज़िंदगी भर रहना हो तो नहीं रह पाओगे, बट हाँ वेकेशंस में आए हो एक हफ्ता के लिए, 4-5 दिन के लिए, तो बहुत मज़ा आएगा। तो गाइस मौसम जो थोड़ा ख़राब सा हो रहा है, बारिश वारिश स्टार्ट हो रही है, तो मैं वीडियो यहीं बंद करता हूँ। अब चलते हैं नीचे, थोड़ा हाथ वाथ गर्म करें, आग सेकेंगे। चूल्हा जो होता है अपना देसी, जैसे नानी के घर में था वैसे ही यहीं पे भी है, और बस बैठते हैं, एंजॉय करते हैं अपना। पार्टी वार्टी तो क्या ही है, जितना भी खाना वाना बनाएंगे खाएंगे, और यहीं पे व्लॉग का एंड करता हूँ। तो गाइस मुझे आप भी कमेंट करें, अगर आपके गांव भी ऐसा पहाड़ हैं, ऐसे आप पहाड़ी हो तो मुझे बताएं, और अगर आप यहाँ पर विज़िट करना चाहते हैं तो मुझे वो भी बता देना। मैं पूरी लोकेशन और पूरा रास्ता बता दूँगा कैसे आप आ सकते हैं यहाँ पर टूर करने के लिए। वैसे यहाँ बर्फ़ नहीं गिरती है, बट देखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है। फिर भी फ़ोटो शूट करना हो, कोई वीडियो बनानी हो, या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो यहाँ पे पहाड़ियों पे, तो वो मेरे को बता देना, मैं कमेंट कर दूँगा। रिप्लाई हमारा विदिन 30 मिनट्स आ जाता है, किसी को भी ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो गाइस चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपने नाना नानी अपने दादा दादी का ख्याल रखो, और उनके साथ कुछ टाइम बिताओ गाँव जाकर। ओके बाय बाय, टेक केयर।